वेलकम टू श्रीजी फूड। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक फराली रेसिपी, फराली ढोकला, जो टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है और इसे रेगुलर ढोकला के जैसे फर्मेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फराली ढोकला बनाने के लिए चाहिए 1 कप मुरैया, जिसे व्रत के चावल, सांवत के चावल या सामा भी बोलते हैं। इसे मैंने 2 घंटे पहले पानी से धोकर भिगो के रख दिया था, तो अब ये रेडी है। 1/2 कप दही, दही हमें खट्टा और रूम टेम्परेचर का लेना है। और 2 टेबलस्पून साबूदाना को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो अब ये सारी चीज़ें रेडी है, तो अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी का जो मीडियम साइज़ का जार होता है उसमें मैंने ये मुरैया ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ये जो साबूदाना ग्राइंड करके रखा है वो ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम दही भी ऐड कर देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा बैटर रेडी है। हमें इसे इस तरह का ठीक ही रखना है, तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बैटर को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और स्टीमर में पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसके साथ हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार और 1/4 टीस्पून खाने का सोडा। खाने का सोडा आप इस तरह से हाथ से लेवल करके ही ले, मैंने ये 1/4 टीस्पून लिया है। और ढोकला के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए लाल मिर्च पाउडर मैंने इसे एक बॉटल में भर लिया है। तो सबसे पहले हम इस बैटर में नमक ऐड करके मिक्स कर लेंगे और ढोकले की थाली को ग्रीस कर लेंगे। जब स्टीमर में पानी उबलना शुरू हो उसके बाद ही इसमें सोडा ऐड करें। सोडा ऐड करने के बाद हमें बैटर को एक ही साइड घुमाना है। अब ये रेडी है, तो मैं इसे मोल्ड में भर लेती हूँ। ढोकला की थाली को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो रेडी करके रखा है बैटर, सोडा ऐड करके वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब हमारा ढोकला रेडी है, तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। अब ढोकले में तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून तेल, गार्निशिंग के लिए धनिया, 1 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते। तो सबसे पहले हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे। जब तक ये तेल गरम होता है तब तक हम ढोकला कट कर लेंगे। अब हम इसी के ऊपर तड़का ऐड कर देंगे। ये तेल गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें जीरा ऐड करके गैस बंद कर देंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और तिल ऐड कर देंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढोकला के ऊपर ऐड कर देना है। इसे चम्मच से पूरे ढोकले पे स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हमारा फराली ढोकला सर्विंग के लिए रेडी है।
मैंने इसे फराली ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप इस फराली चटनी की रेसिपी मेरे चैनल से देख सकते हो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा।